और देखिए चैप्टर 12 समाप्त कर रहा हूं मैं आज, कल मैं आपको शुरू कर दूंगा चैप्टर 1। और देखिए अवकल समीकरण, कोई भी अवकल समीकरण निकाल लीजिए, अब ये देखिए 3x² (xy) + (y²) dx + (x²) + (xy) (dy) = 0, इसको भी डी वाई अपॉन डी एक्स रिसॉल्व करो, डी वाई अपॉन डी एक्स रिसॉल्व करेंगे तो (x²) (xy) (dy) = -(3xy) + (y²) dx, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -(3xy) + (y²) (x²) + (xy)। ये dy/dx सरल हो गया, आप देखो चर पृथक तो हो नहीं रही, घात देखिए इसकी घात 2 है, इसमें भी 1 और 1 घात है, या विपरीत आधार पर भी घातें जोड़ देंगे समघातीय जांच के लिए, ये घात 2 और 1 और 1 समघाती है, जो कि समघातीय अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है, और जब समघाती अवकल समीकरण करने का तरीका क्या है, dy/dx तो y = bx, यहाँ भी इसको भी चर पृथक्करण से ही होगा, ये पहले इसको क्या करेंगे अपन चर पृथक के रूप में बदलेंगे, अब जब dy/dx है तो क्या लिखते हैं y = bx, तो माना y = bx एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन से पूरे वाई का, तो dy/dx यूनिट भी लग रहा है, पहला फलन एक्स का 1, एक्स और वाई बी का dv/dx, तो dy/dx को क्या लिखा जा सकता है v + xdv/dx, तो क्या समीकरण बन रहा है देखो, इसलिए इसकी जगह लिख दो v + xdv/dx, dy/dx का मान रख दिया और यहाँ y = bx रख दीजिए, -y = bx, तो 3x (bx) - (bx²) / (x²)(x)/(bx), तो b + xdv/dx = -3bx²/ba²(x²)/bx², एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, b + xdv/dx - (x²) (3b - b²)/(x²)/(1+b) (x²) + (x²) = b + xdv/dx = -(3b - b²)/(1+b). इसको सॉल्व करना है हमें, तो dv/dx के लिए चर पृथक होंगे, फिर पक्षांतरण कर दीजिए, (x)dv/dx = -(3b - b²)/(1+b) - b, b का पक्षांतरण कर दिया, (x)dv/dx = -(3b + b²) और ये -b - b²/(1+b), तो b² से b² कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा अपना ये x
डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्व टू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया माइनस थ्री बी माइनस बी माइनस फोर बी हो जाएंगे तो माइनस फोर बी अपॉन वन प्लस बी वन प्लस बी। अब यह चर पृथक कर दीजिए, ये माइनस है, चर पृथक करने पर तो ये वन फोर को तो रहने दो, वन प्लस बी अपॉन बी डी बी इज इक्व टू माइनस वन फोर एक्स डी एक्स। चर पृथक कर दिया, बी अपॉन वन प्लस बी का इधर आके वन प्लस बी अपॉन बी अलग अलग भाग दे दो, वन अपॉन बी, बी में बी का भाग दिया तो वन डी बी इज इक्व टू माइनस फोर वन अपॉन एक्स डी एक्स। वन अपॉन बी का तो लॉग बी, बी के सापेक्ष वन का बी माइनस फोर लॉग एक्स प्लस लॉग सी कर देता हूँ, कॉन्स्टेंट हम लॉग है सब कुछ तो लॉग ले सकते हैं, सी से भी काम चल जाएगा ये लॉग सी। बी का मान रखो, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर बाई अपॉन एक्स, तो लॉग बाई अपॉन एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस फोर लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, तो लॉग बाई प्लस बाई माइनस फोर एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स। इधर ले आइए, कैसे कर लीजिए अब इसको, लॉग बाई प्लस फोर एक्स लॉग एक्स बराबर सी एक्स, ये इसका आंसर है। और ये था आपका अवकल समीकरण को पहचान के करना है, बगैर अवकल समीकरण को पहचान के करोगे तो नहीं होगा। अवकल समीकरण की पहचान आवश्यक है, और बगैर पहचान के अवकल समीकरण आपसे होंगे नहीं। पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया, और देखो दो क्वेश्चन और कराना हूँ मैं। पहचानने के लिए पूछ सकते हैं, पूछते तो नहीं हो, ये तो समस्या है। और देखो एक सवाल, इधर करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई टेन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। बताओ भाई, आपके पास चर पृथक्करण, चर पृथक्करण में बदले जा सकने वाले समघातीय, समघातीय में बदले जा सकने वाले और रैखिक अवकल समीकरण, और रैखिक अवकल समीकरण में बदले जा सकने वाले यही तो है। तो देखो dy वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर एक रैखिक है, जो कि dy वाई अपॉन डी एक्स
प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का रैखिक अवकल समीकरण है। या नहीं बताओ, अब तुलना करें, समीकरण है। अब आपको पता होना चाहिए रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का तरीका समाकल गुणांक के द्वारा है, और समाकल गुणांक के लिए किसकी वैल्यू चाहिए हमें, पी की और क्यू की। पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए तुलना करना जरूरी है। पी और क्यू की वैल्यू के लिए इसकी तुलना की हमने, तुलना करेंगे तो बोलो जो बाई का गुणांक है वो पी है, बाई का गुणांक पी बराबर टेन एक्स, तो पी बराबर हो गया टेन एक्स एंड क्यू बराबर ई की घात एक्स। और ये हम जानते हैं डी वाई को डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू में पी और क्यू या तो अचर पद होंगे या एक्स के फलन होते हैं, तो एक्स के फलन है दोनों। अब समाकल गुणांक, अब क्या निकलेगा, समाकल गुणांक इंटीग्रल फैक्टर आई एफ बराबर ई बेस पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये लो भाई, ई बेस पर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स और ई बेस पर टेन एक्स का हो जाता है लॉग सेक एक्स, और लॉग सेक एक्स बेस ही है तो ये रह जाएगा सेक एक्स। समाकल गुणांक अपना आ गया सेक एक्स, सेक एक्स आई एफ। अगर आई एफ निकल गया तो हल करने का तरीका है फिर बाई इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स बाई इंटू सेक एक्स क्यू ई की पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स ई की पावर एक्स टेन का होता है लॉग टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स और इसका आंसर देखते बाई बाई टेन एक्स हो गया, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन अपॉन कॉस, देखो सही लॉग सेक एक्स का, सेक एक्स ही होता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट्स। तो इसको करिए अब फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, बाई सेक एक्स खंड से समाकलन से, खंड से समाकलन से बराबर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और इधर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx का होल इंटीग्रेशन, y sec x
डॉट ई की पावर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स ई की पावर एक्स। तो यहाँ पर बाई सेक एक्स बराबर ई की पावर एक्स सेक एक्स माइनस, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। तो बाई सेक एक्स बराबर ई की पावर एक्स सेक एक्स माइनस ई की पावर एक्स सेक एक्स माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा टू, ये कैंसिल हो गया। तो बाई सेक एक्स इज इक्वल्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस के ई की पावर एक्स सेक एक्स जो इंटीग्रल लेके चल रहे हैं हम वो ही आ जाएगा आई, ये तो कैंसिल होगा और ये वापस क्या आ गया आई, आई प्लस आई टू आई वन बाई टू सेक। क्वेश्चन नंबर है अपना 19। इसमें हमसे सिर्फ इंटीग्रल फैक्टर पूछा था भाई, क्या पूछा था इंटीग्रल फैक्टर आई एफ, इसमें हमसे केवल इंटीग्रल फैक्टर पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वाई बराबर पी बराबर टेन एक्स ई बेस पर टेन एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स और लॉग सेक एक्स का सेक एक्स, इसका बुक में हमसे सिर्फ यहाँ तक ही पूछा है इंटीग्रल फैक्टर पूछा है, आगे सॉल्व कर दिया मैंने ज़बरदस्ती, इसमें केवल इंटीग्रल फैक्टर पूछा था, तो इंटीग्रल फैक्टर ये रहा इसका आई एफ बराबर सेक एक्स पूछा है। सॉल्व करना हो तो वही इस तरह ही होगा, अगर सॉल्व करना हो तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपसे नहीं पूछा गया सिर्फ इंटीग्रल फैक्टर पर समाकल गुणांक पूछा था, तो समाकल गुणांक निकाल दिया, बाकी वापस आई लौटेगा, इसको हम आई मान के करना पड़ेगा अलग से, ये एज इट इज ये कैंसिल हो जाएगा आई और आई टू आई, तो ये आ जाएगा टू वन अपॉइंट टू प्लस सी, सिर्फ समाकल गुणांक पूछा है इसका। और देखिए अवकल समीकरण का तरीका यही है, ये अवकल समीकरण है भाई। कल अपन चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट संयुक्त फलन, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ,
एक से पाँच लगातार चैप्टर एक से पाँच करेंगे आगे, और अवकलन समाकलन को छोड़ देंगे अब। इसके बाद पहला क्वेश्चन चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट संयुक्त फलन, ये कल मैं प्रारंभ करवा दूंगा। ये तीन नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का दो, एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है, और आज के लिए इतना ही बहुत है इसमें।